नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में, मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, क्या आप जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B को लेकर कंफ्यूज है? जीएसटीआर 3B फाइलिंग के वक्त कौन सा ITC अमाउंट कंसीडर करना है, ये भी आपका डाउट है, यही भी आपका कंफ्यूजन है? तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जीएसटीआर 3B फाइलिंग करने जा रहे हो, तब आपको ITC क्लेम करते वक्त जीएसटीआर 2A के बेसिस पे करना है या जीएसटीआर 2B के बेसिस पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन भी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं Businesses needs to claim ITC on basis of GSTR 2A और GSTR 2B। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि GSTR 2B ये लेटेस्ट एक ITC स्टेटमेंट का फैसिलिटी GSTN पोर्टल पर अवेलेबल हो चुका है। अब तक जो टैक्सपेयर थे वो GSTR 2A का रिकंसिलेशन करके अपना ITC क्लेम करते थे, लेकिन GSTR 2B आने के बाद उनमें कंफ्यूजन होने लगा है, क्योंकि GSTR 2A के बेसिस पर अभी तक ले रहे थे। GSTR 2B में ITC अवेलमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसका डेटा। तो चलिए जानते हैं कि आप GSTR 3B फाइलिंग करते वक्त GSTR 2A के बेसिस पे करना है ITC क्लेम या GSTR 2B। उसके लिए आपको दो एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो पहली केस में आपको बताऊंगा GSTR 2A के बारे में। तो दोस्तों, समझिए कि आपने कोई सप्लायर से, XYZ सप्लायर है, उससे कोई माल खरीदा और उसने उस माल की जो इनवॉइस बनाई उसकी डेट है 10 अप्रैल 2020 और ये जो सप्लायर है उसने अपना GSTR 1 फाइलिंग किया है अप्रैल 2020 में, या फिर मई में करे, जून में करे, कोई भी जो टैक्स पीरियड है उसमें उसने अपना GSTR 1 फाइलिंग किया है। तो होगा क्या दोस्तों, आपका GSTR 2A जो है अप्रैल 2020 उसमें ही ये इनवॉइस की डिटेल्स आपको अवेलेबल रहेगी, उसमें ही आपको ये डिटेल्स दिखेगी, क्योंकि GSTR 2A में इनवॉइस डेट के ऊपर ही आपको GSTR 2A में डेटा दिखेगा, ना कि उसके फाइलिंग पीरियड के ऊपर। तो होगा क्या दोस्तों, अगर सप्लायर XYZ है, उसने इनवॉइस डेट दी है फाइलिंग करते वक्त 10 अप्रैल 2020 की, तो आपके GSTR 2A जो है अप्रैल 2020 की उसमें ही ये डेटा शो होगा। अब जानते हैं कि केस 2 यानी GSTR 2B में क्या होने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या होगा दोस्तों कि अगर सप्लायर XYZ ने इनवॉइस डेट वाली जो 10 अप्रैल 2020 वाला जो इनवॉइस है उसको फाइल किया है, उसका GSTR 1 फाइलिंग किया है जुलाई 2020 को, तो होगा क्या कि आपको ये GSTR 2B के जुलाई 2020 के डेटा में दिखेगी, ना कि अप्रैल 2020 के। तो जब वो सप्लायर GSTR 1 फाइलिंग करता है उस टैक्स पीरियड में आपको ये GSTR 2B अवेलेबल होगा, वो इनवॉइस की डिटेल्स GSTR 2B के उस मंथ में आपको दिखेगी। तो ये कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि GSTR 2B अभी लेटेस्ट ही अवेलेबल हुआ है फैसिलिटी GSTN पोर्टल पे। तो अब आप GSTR 3B फाइलिंग करने जा रहे हो तो आपको करना क्या है, GSTR 2A को ही रेफर करना है। GSTR 2A को रेफर करके ही अपनी GSTR 3B फाइलिंग करें और ITC क्लेम करें। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि GSTR 2B के हिसाब से कैसे ITC अवेल करना है उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो भी आ जाएगी। तो अभी फिलहाल तो भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आपको GSTR 2A को लेकर ही अपनी GSTR 3B फाइलिंग करनी है, रिकंसिलेशन करके अपना ITC जितना अवेल होता है उतना आप ले सकते हो। तो होप दोस्तों, आपका जो कन्फ्यूजन था कि GSTR 3B फाइलिंग करते वक्त किसे रेफर करना है, तो आपको रेफर करना है GSTR 2A। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।